अमेरिका में नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर। अमेरिका जैसे देश में जब आप नौकरी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बात आती है वीजा की। कौन सा वीजा लें, किस तरह के वीजा पर कितने दिन अमेरिका में रह सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हैं और किसी कारणवश आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको देश छोड़ने की नौबत आ जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नौकरी जाने के बाद आप दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अमेरिका में दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अब H1 वीजा खत्म होने पर भी अमेरिका से वापस नहीं लौटना होगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि बिजनेस या टूरिस्ट B1 और B2 पर देश में आए लोग भी नई नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी मिलने पर जब तक चाहें काम कर सकते हैं, यहां तक कि इंटरव्यू में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि संभावित कर्मचारियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि नौकरी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने अपनी वीजा की स्थिति बदल ली है। बीते समय में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियों से काफी लोगों की नौकरी जाने के बाद अमेरिका की ओर से उठाया गया ये कदम उन्हें एक बड़ी राहत देगा, जिसका फायदा हजारों भारतीयों को भी मिलेगा। B1 और B2 वीजा को आमतौर पर बी वीजा के रूप में जाना जाता है। B1 वीजा मुख्य रूप से शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रिप और B2 मुख्य रूप से टूरिज्म के लिए दिया जाता है। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS की ओर से कहा गया है कि जब नॉन इमिग्रेंट्स वर्कर्स को नौकरी से निकाला जाता है तो आमतौर पर उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है। वहीं कुछ मामलों में गलत तरीके से मान लेते हैं कि 60 दिनों के भीतर देश छोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। The 60-day grace period will keep you under a valid status for the duration of the period. According to United States immigration law, you must be under a valid status to be able to request a change of status, extension, and other related privileges. Therefore, the grace period rule gives you the legal ground to change to another non-immigrant status or find another employer. अमेरिका की ओर से ये ऐलान तब किया गया है जब वहां कई बड़ी कंपनियों में भारी मात्रा में छंटनी के कारण भारत समेत कई देशों के हजारों विदेशी मूल के लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। जब एक नॉन इमिग्रेंट कर्मचारी की नौकरी किसी भी कारण से चली जाती है तो आमतौर पर अमेरिका में रहने के लिए 60 दिन का समय मिलता है, जिसमें आप या तो नई नौकरी ढूंढ लें या फिर देश छोड़कर वापस चले जाएं। नौकरी जाने के बाद अगर आप नॉन इमिग्रेंट स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन करते हैं, स्थिति में समायोजन के लिए आवेदन दाखिल करते हैं, रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के लिए आवेदन या एम्प्लॉयर बदलने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको राहत मिल सकती है। USCIS ने कहा है कि अगर इनमें से कोई भी एक कार्रवाई 60 दिनों के भीतर होती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर अप्रवासियों के रहने की अवधि 60 दिनों से ज्यादा हो सकती है। नौकरी जाने के बाद आप दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अमेरिका में दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अब H1 वीजा खत्म होने पर भी अमेरिका से वापस लौटना नहीं होगा। क्या आपने भी अमेरिकी वीजा के लिए अप्लाई किया है?